हाय एस्थर, तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानती मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस किस चीज के लिए? तुम्हें पता है, कुछ महीनों पहले मैं एक चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत बड़ा था और भारी था, लेकिन अब मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं वो कर पाऊंगा। उस पर फोकस करूंगा और उस चट्टान को हिला दूंगा। दोस्तों, क्या आप किसी चट्टान को हिला सकते हो? रुको रुको रुको, क्या तुम सबूत देखना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें उस चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था मैंने उस चट्टान को हिलाने की कोशिश की थी, पर वो चट्टान बड़ी थी, है ना? ओके सिल्वेस्टर, आप बस भी करो। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और ये सब बहुत फनी है। क्या हम शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम? हाँ हाँ, हम शुरू करते हैं। एस्थर, हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम जानती क्यों? क्या तुम उतनी बड़ी चट्टान को हिला सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। ओके, पर हाँ, तुम्हारी बातों से मैं आज की थीम गैस कर सकती हूँ। जो भी तुम कर रहे थे उससे तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह की थीम है चट्टान के बारे में। तुम्हारी टी शर्ट पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, तो वो पक्का चट्टान के बारे में ही है। आप लोग तो अद्भुत हो, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो एस्थर। हाँ, आज की थीम है परमेश्वर हमारी चट्टान। क्या तुम्हें याद है बीते कई सप्ताह से हम परमेश्वर के नामों को सीख रहे हैं उनके अर्थ के साथ? तो आज कौन सा नाम सीखेंगे परमेश्वर का, जल्दी बताओ मुझे। हाँ, इस सप्ताह हम सीखेंगे यहोवा सूरी, मतलब परमेश्वर हमारी चट्टान। यहोवा सूरी, वाव, मैं अब और नहीं रुक सकती इसके बारे में और भी सीखने के लिए। ओके, और मुझे मालूम है कि आप लोग भी नहीं रुक सकते और सीखने के लिए, तो आओ शुरू करते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। तो बच्चों, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहते हो? कहानी एक बुद्धिमान की, तो आओ सुनो सब। बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर, बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर, बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर, और जोर की बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, घर चट्टान पर खड़ा रहा। अब एक मूर्ख ने घर बनाया, उसने अपना घर कहाँ बनाया? ध्यान से सुनो, 1 2 3 4। मूर्ख ने बनाया घर बालू पर, मूर्ख ने बनाया घर बालू पर, मूर्ख ने बनाया घर बालू पर, और जोर की बारिश हुई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, और मूर्ख का घर गिरा धड़ा। चारों तब मैं
हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं यहोवा सूरी, जिसका मतलब परमेश्वर मेरी चट्टान। तो इसके लिए मेरे पास है एक शानदार एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए मेरे पास है नमक, कुछ बर्फ के टुकड़े और धागा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे इस धागे को इस एक बर्फ के टुकड़े पर रखने की, और मैं कोशिश करूंगी इस धागे से बर्फ को उठाने की। क्या बर्फ का टुकड़ा उठेगा? नहीं है ना, पर आज मैं कुछ और करने वाली हूँ। ओके, जब मैं थोड़ा नमक इस पर डालती हूँ, बस एक चुटकी नमक, थोड़ा और नमक डालती हूँ, थोड़ा सा और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब देखते हैं क्या होता है। क्या मैं उसे उठा पाती हूँ बिना इस बर्फ के टुकड़े को बांधे? ओके, देखते हैं क्या होता है। वाओ, क्या आप देख सकते हैं, मैंने इस धागे को बर्फ के टुकड़े पर नहीं बांधा, मैंने बस थोड़ा सा नमक उस पर छिड़का और कुछ अलग हुआ। ओके, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि साइंस हमें बताती है कि नमक का पानी कम तापमान में जल्दी जम जाता है सादे पानी की तुलना में। तो अब जब आप नमक डालते हो बर्फ़ के ऊपर, तो वो गर्मी को सोख लेता है और वो पिघल जाती है। तो नमक के आसपास की जगह के पानी के अणु जम जाते हैं और वे धागे को अपने से चिपका लेते हैं, और इसी कारण धागा बर्फ को उठा पाता है। फाइन, तो आज ये किस प्रकार लागू हो सकता है और हमारे जीवन में कैसे लागू होगा? तो ये कटोरे का पानी हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं, अनिश्चित परिस्थितियां जिनमें हम हैं, और बर्फ के टुकड़े हमारा जीवन है, ये धागा हमारा विश्वास है, और ये नमक यीशु को दर्शाता है। तो जब हम अलग अलग परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है मानो हम फंस गए, हमें लगता है हम उससे कभी नहीं निकल पाएंगे, हमें लगता है हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास रखें, चट्टान पर विश्वास, और यही हम सीख रहे हैं, यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। तो जब हम थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं यीशु पर, तो पता है उस विश्वास के द्वारा हम ऊपर उठ पाते हैं किसी भी परिस्थिति से जो हमारे सामने हो, क्योंकि यीशु हमारी चट्टान है और हमारे लिए उनका प्रेम कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, हर परिस्थिति में उन पर निर्भर हो सकते हैं, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखें, यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। हेलो साथियों, मैं हूं अल्फी, एक अफ्रीकी जंगली कुत्ता। अफ्रीकी जंगली कुत्ते बड़े समूह में रहते हैं, हर समूह में 6 से 20 कुत्ते होते हैं। हम समूह में ही शिकार करते हैं। हमारे समूह के शिकारी कुत्ते एक रिले टीम की तरह काम करते हैं। जब वो अपने शिकार को देख लेते हैं, तब कुछ कुत्ते उसके करीब भागना शुरू करते हैं, जबकि समूह के दूसरे कुत्ते पीछे भाग रहे होते हैं। एक बार जब आगे दौड़ने वाला कुत्ता शिकार पकड़ लेता है, तो समूह के दूसरे कुत्ते कब्जा कर लेते हैं, और इस टीम वर्क के द्वारा शायद ही कोई शिकार हमसे बच पाता है। एक शोध के अनुसार अफ्रीकी जंगली कुत्ते हर रोज 2 बार शिकार करते हैं और 70 से 90% सफल होते हैं। यहां तक कि शेर भी हमारा सफलता दर से पीछे है। हमारा समूह ही हमारी ताकत है। हम हमेशा अपने समूह पर भरोसा कर सकते हैं, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। विश्वास योग्य और भरोसेमंद हमारा समूह ही हमारी चट्टान है। अगर चट्टान की बात करें, तो आपके पास यीशु है,
वो आपकी चट्टान है, स्थिर, भरोसेमंद, विश्वास योग्य और निश्चय ही यीशु आपके उद्धार की दृढ़ चट्टान है। उनके वायदे निश्चित हैं, उनका प्रेम विश्वास योग्य है और उनकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आपके हालात कुछ भी हो, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी चट्टान है। बाइबल भजन संहिता 18:2 में कहती है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ, यीशु आपकी चट्टान है, कोई शत्रु कुछ नहीं कर सकता आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, यीशु में आप सुरक्षित हैं, वो आपकी सदा की मदद है, ऐसा पिता जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं। याद रहे, यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर हमारी चट्टान के बारे में, यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। और आज की कहानी है 1 शमूएल अध्याय 24 से। हम सब जानते हैं कि राजा शाऊल परेशान हो गया था राजा दाऊद से छुटकारा पाने के लिए। वो दाऊद से जलन रखता था, तो वो किसी तरह राजा दाऊद को मारना चाहता था और उसने बहुत सी कोशिशें की, ठीक है। इस कारण दाऊद भाग गया, वहां से भाग गया जहां वह रहता था, भाग गया एक जंगल में। और किसी तरह शाऊल को यह पता लगा कि दाऊद कहां है। और शाऊल ने क्या किया, उसने 3,000 ताकतवर मनुष्य को लिया और दाऊद की खोज में निकल पड़ा। और दाऊद एनगड़ी के जंगल में था और शाऊल और उसके लोग वहां पहुंचे और उस जगह पर एक बड़ी गुफा भी थी, ओके। और दाऊद और उसके लोग गुफा के अंदर कोनों में छिपे हुए थे और शाऊल को यह पता नहीं था। पर तभी क्या हुआ, शाऊल थोड़ा आराम करना चाहता था और वो उस गुफा के अंदर गया और दाऊद और उसके लोग गुफा की गहराई में छिपे हुए थे। और जैसे ही दाऊद के लोगों ने राजा शाऊल को गुफा के अंदर देखा, उन्होंने दाऊद को बताया कि सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। क्या तुम जानते हो राजा शाऊल तुम्हारा शत्रु ठीक यही है, आज हम उसे मार सकते हैं और तुम्हें चिंता करने और भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी जान के पीछे है, तो चलो उसे मारते हैं। आपको पता है दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने अंधेरे में धीरे से जाकर शाऊल के कपड़े का एक छोर काट लिया। जब शाऊल आराम कर रहा था बिना शाऊल जानकारी के, और जैसे ही दाऊद ने शाऊल की छोर काटी, वैसे ही दाऊद उसे काटने से पछताया। उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं मार सकता, परमेश्वर ही मेरा और उसका न्याय करे। दाऊद अपने लोगों के पास गुफा की गहराई में चला गया, अपने लोगों को डांट लगाई और कहा, न तुम लोग शाऊल की हानि करना, न मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ करूंगा। तो शाऊल आराम करके गुफा के बाहर गया और जैसे ही शाऊल बाहर गया, वैसे ही दाऊद भी बाहर आ गया। दाऊद भी बाहर आ गया गुफा से और कहा, राजा शाऊल, और फिर आदर में दाऊद झुक गया और अपने घुटनों पर आ गया और उसने राजा शाऊल को आदर दिया। और जैसे ही राजा शाऊल ने दाऊद की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ा और रुक कर बोला, कौन मुझे इस अंधेरी रात में बुला रहा है इस एनगड़ी के जंगल में। तो दाऊद उठ गया और कहा, राजा शाऊल, मैं अपने हाथ परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध नहीं उठाना चाहता, परमेश्वर ही तेरा और मेरा न्याय करे, क्योंकि ऐसी कहावत है जो कहती है, दुष्टता दुष्टों से होती है, पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये देखो राजा शाऊल, मेरे पास ये कपड़े का टुकड़ा है मेरे हाथ में, और अपने कपड़े को देखो, वो कटा हुआ उसके किनारे से, मैं तुम्हें मार भी सकता था पर मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने समय में मुझे राजा बनाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, परमेश्वर ही तेरे मेरे बीच न्याय ठहरे। जैसे ही शाऊल ने ये सब सुना, क्या ये तुम हो दाऊद मेरे बेटे, जब आज परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब भी तूने मुझे न मारा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। राजा दाऊद
सचमुच सचमुच तुम मुझसे अधिक धर्मी है। और शाऊल रोने लगा, वो बहुत जोर से रोने लगा अपने विचारों के कारण जो वो करने की सोच रहा था। शाऊल ने कहा, जब तू राजा बने तो मुझे याद रखना और मेरे परिवार को मार न डालना, निश्चय ही तू राजा बनेगा, एक अच्छा राजा। और शाऊल ये कहकर वापस चला गया। तो दोस्तों, यहां सोचने वाली बात है, शाऊल दाऊद का जानी दुश्मन था और दाऊद के पास ये मौका था कि वो शाऊल को मार सके। शाऊल को आसानी से मार सकता था, उसके पास उसकी फौज भी थी। मैं दाऊद के साथ उसके लोगों के बारे में बोल रहा हूं। शाऊल सिर्फ एक व्यक्ति था उस गुफा में, दाऊद उसको जान से मार सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पास परमेश्वर है, जो वायदों को रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो जानता था कि उसे परमेश्वर का आदर करना है, और वो जानता था कि राजा शाऊल को भी आदर देना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। यहां हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर पर पूरा यकीन था, और दाऊद का यही चरित्र उसके पूरे जीवन में देखते हैं। जब उसने गोलियात का सामना किया तब भी उसे पूरा भरोसा था। उसने कहा गोलियात से, तुम बुरे इरादे से आए हो, तुम परमेश्वर के लोगों को गिराने आए हो, पर मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आया हूँ और आज परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। और यही दाऊद का रवैया था उसके जीवन भर, उसे पूरा भरोसा था परमेश्वर पर। वो जानता था कि परमेश्वर का वायदा जरूर पूरा होगा, उसको संपूर्ण भरोसा था परमेश्वर पर। और आज हम क्या सीखते हैं कि दाऊद के लिए उसका परमेश्वर एक चट्टान था, एक मजबूत चट्टान। वो जानता था कि उसका परमेश्वर बदलता नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर ने जो कहा उसे कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे, जीवन की हर बात में वो परमेश्वर पर भरोसा करता, परमेश्वर पर निर्भर रहता और परमेश्वर पर विश्वास करता। और आप जानते हैं, परमेश्वर उसकी मजबूत चट्टान थे, परमेश्वर उसकी दृढ़ नींव थे, चट्टान पर नींव। और दाऊद मजबूत और ऊंचा और स्थिर खड़ा रहा परमेश्वर के वायदों पर अपने जीवन भर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर दाऊद की चट्टान थे। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की चट्टान भी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे उद्धार की चट्टान है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर गुजरे, चाहे किसी भी हालात में हम हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, जब हम क्षमा मांगते हैं और जब हम यीशु से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तो ऐसा है उनका प्रेम, वो हमारे जीवन की चट्टान है। दोस्तों, यही चुनौती है कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहोगे। क्या आप परमेश्वर पर निर्भर रहोगे चाहे कुछ भी हो? क्या वो आपका भरोसा है? क्या वो आपकी दृढ़ नींव है? क्या वो आपकी चट्टान है? अपने आप से ये सवाल पूछे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा कि वो हमारी चट्टान रहेगा। बाइबल हमें बताती है कि वो हमें ना त्यागेगा ना छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी चट्टान है। केवल एक सच्ची मजबूत चट्टान, उनको पुकारे और धन्यवाद करें उनके साथ के लिए। और यही बाइबल हमें याद दिलाती है, भजन संहिता 18:2, जहां दाऊद फिर लिखता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। कितना सामर्थी वचन है! दाऊद ऐसा लिख पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे शाऊल से बचाया और उनके अन्य शत्रुओं से। और परमेश्वर वो चट्टान बनना चाहते हैं हम सभी के लिए, आपके लिए। चाहे आप किसी भी व्यक्ति या चुनौती का सामना करें, कोई भी परेशानी का सामना करें, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर आपकी दृढ़ चट्टान है, वो हमारी नींव जिस पर हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। उसके वायदे को पकड़े रहो। यहोवा सूरी, परमेश्वर हमारी चट्टान। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए, इस सामर्थी पल के लिए जहां हम सीख रहे हैं
यहोवा सूरी मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। और धन्यवाद हमारे जीवन की दृढ़ नींव बनने के लिए, स्थिर चट्टान बनने के लिए। धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए। ऐसा परमेश्वर जो कभी ना छोड़ेगा ना जाएगा, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी स्थिरता के लिए। आप ही हमारा भरोसा है, हमें भरोसा है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय प्रभु यीशु, आपने सभी दोस्तों के लिए जो यह देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप उनकी चट्टान बने, ताकि वे जाने चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप प्रभु यीशु उनकी दृढ़ चट्टान हो, आप हमेशा उनके साथ रहोगे। धन्यवाद आपके इस भरोसेमंद वायदे के लिए। धन्यवाद आज हमें सिखाने के लिए कि आप यहोवा सूरी हैं, परमेश्वर हमारी चट्टान। फिर से धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के सामर्थी नाम में आमेन। दोस्तों आज हमने सीखा यहोवा सूरी परमेश्वर हमारी चट्टान, वो कभी नहीं बदलता, वो स्थिर है, वो विश्वास योग्य है, वो हमेशा साथ है, वो दृढ़ नींव है, जो उन पर भरोसा करता है कभी लज्जित नहीं होता, है ना। और आज हमने यही सीखा है, और कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट देखा है ना, कैसे वो धागा उस ठोस बर्फ के टुकड़े को उठा पाया। आप जानते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में होते हैं, वो असंभव को संभव करते हैं, हमारे जीवन में वो हमारी मदद करते हैं। चुनौती भरी परिस्थिति से निकलने में, और शक्तिशाली कहानी दाऊद की कि कैसे उसने शाऊल की जिंदगी बख्श दी, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और हम उस एनिमल बडी से मिले, है ना, आज का एनिमल बडी था अफ्रीकी जंगली कुत्ता, कैसे उनका समूह उसकी ताकत है, है ना। परमेश्वर आपकी ताकत है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, वो आपके पीछे है, वो आपके आगे है, वो हर जगह है, वो हमारी चट्टान है। तो आज हमने बहुत सी अद्भुत बातें सीखी, उन्हें याद रखें और जीवन में लागू करें, उनकी घोषणा करें, हर रोज उन्हें याद करें कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, चाहे कैसी भी मुश्किल परिस्थिति हो, तब जोर से कहे यहोवा सूरी परमेश्वर मेरी चट्टान। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आती है, उसका भरोसा हमें ऊपर की ओर उठाता है, और यही सच्चाई है, यह सच है, इसे ना भूले, ठीक है। यहोवा सूरी परमेश्वर हमारी चट्टान। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा जब आपने ये सच्चाई सीखी। अगले सप्ताह तक सुरक्षित रहें, याद रखें परमेश्वर आपकी चट्टान है। बाय बाय।